जी आई एम राहत फ्रॉम SBK वामन्स यूनिवर्सिटी, और मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, अगर हम देखें तो सारी स्टूडेंट्स जो है वो फॉरेन या अब्रॉड जाने के लिए वो जो है वो स्कॉलरशिप्स ढूंढ रहे या रास्ते ढूंढ रहे कि हम वहाँ पर जाए किसी तरीके से भी। इसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है वो डिग्री की वर्थ नहीं है। अगर हम कंपेयर करें, हमारी डिग्री जो है वो सिंध बलूचिस्तान की, मैं बात कर रही हूँ, हमारी बलूचिस्तान की सूबे की जो डिग्री की वर्थ है वो जो है वो फुल लो है सिंध की डिग्री से। सर मेरा कहने का मतलब ये कि हम जो है वो किन जो है वो एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमारा जो है वो एजुकेशन का जो डिग्री का वर्थ है वो जो है वो थोड़ा सा हाई हो जाए। जी थैंक यू। बिल्कुल ठीक है। आई एम सेइंग दिस विद पेन, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं मुझे खुशी नहीं हो रही इस चीज़ की। मैं सेंट फ्रांसिस ग्रामर स्कूल क्वेटा में 75-76 में शायद मेरा एडमिशन हुआ था। ये सेंट फ्रांसिस ग्रामर स्कूल क्वेटा यहाँ से 1 मील के फासले पे होगा मैक्सिमम। वहाँ पे एक छोटा बोर्डिंग स्कूल था और उस बोर्डिंग स्कूल में सिंध की जो इलीट थी ना, चाहे वो महरस थे या और उनके कबाइल के लोग थे, वो यहाँ आते थे हुसूल तालीम के लिए, यहाँ पढ़ने के लिए। कि एक तो वेदर क्वेटा का बड़ा अच्छा था और यहाँ का जो मिशनरी स्कूल की जो एजुकेशन थी, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनते हैं अपने असातज़ा से, वो मॉर्टर और ब्रिक्स से नहीं बनते। उनके अंदर जो खून पसीना होता है, उनकी जो रूहें होती है, उनका जो कल्ब होता है, उनका दरून जो होता है, वो असातज़ा होता है। आपको जो डिग्री अवार्ड होती है प्राइमरीली उस चीज़ की होती है कि आपको डिज़ाइन कैसे किया गया, इस कागज के जरिए नहीं, इस एजुकेशन को जो इम्पार्ट किया गया है वर्बली। दुनिया में तालीम या इल्म जो आया है उसमें जो सबसे पहला उसका इम्पॉर्टेंट टूल था कम्युनिकेशन का, वो वर्बल था। बाद में इंसान ने लफ्ज को डॉक्यूमेंट किया, जो डॉक्यूमेंटेड है वो सेकेंडरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी वर्बल है, इसीलिए वही वर्बल अंदाज में आई, उसको प्रिजर्व किया गया फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कुरान को लिख के तो नहीं लाया था जिब्रील अमीन, के पास कोई पेन नहीं था। वो जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस को विटनेस करके उसकी वर्बल एक्सप्रेशन कर दी गई। तो जो वर्बल पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है वो असातज़ा के जरिए होता है, और जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है ना वो डायरेक्टली इम्प्लाई करता है आपके एक्शंस पे, कि किस किस्म का आपका डेमोंस्ट्रेशन है, किस किस्म का आपका अमाल है, उसी से इंस्पिरेशंस पैदा होती हैं, उसी से लोग पैदा होते हैं, उसी से इंसान पैदा होते हैं, उसी से इदारे पैदा होते हैं। ऑक्सफोर्ड वैसे नहीं बन गया ऑक्सफोर्ड, उसको अगर 800-900 साल लगे हैं ना, उन 800-900 सालों में इस तरह के लोगों की जर्नी है जिन्होंने इल्म को महराज के तौर पे ले लिया था। आप अपने आसपास नजरें दौड़ाएं, अगर हमारे ऐसे लोग हैं जो इंसान डिजाइन करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है ह्यूमन टेक्नोलॉजी में, बहुत बड़ा संगे मील है।